गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वार्मली वेलकम इन द मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्सरसाइज 7.3, टुडे वी विल स्टार्ट। ऑन दैट डे बेटा, आई हैव गिवन टू यू सम टेबल ट्रिक्स। आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड माई पॉइंट, हाउ टू राइट टेबल्स फ्रॉम 21 to 99, मीन्स टू डिजिट टेबल्स। सो दैट वन टेबल्स वी विल यूज इन दिस एक्सरसाइज। Hope you all have done your work. So let's start the question. Find the quotient and the remainder. Find the quotient and the remainder. Beta, in previous exercise we have also find quotient and remainder, but that number is divisible by one number. But here is two digit number divisible by two digit number. The three digit number divisible by two digit number. Four digit by two digit. Means main question is here. Divide any number by two digit number. How will you divide it? Same, we will write here 88 divide by 11. 88 divide by 11. Check your 11's table. 11 8's are 88. 11 8's are 88. 8 minus 8, 0. 8 minus 8, 0. So your quotient is here 8 and remainder is here 0. बेटा उस दिन वैसे मैंने आपको बोला था कि आपने टेबल स्टिक यूज कर मेरे को नोटबुक शो करनी है। एक्सेप्ट वन स्टूडेंट हरजोत, वेरी गुड बेटा, यू हैव डन योर वर्क। ओनली हरजोत ने ही अपना वर्क कंप्लीट किया है, एक्सेप्ट हरजोत। किसी स्टूडेंट्स की मेरे को नोटबुक शो नहीं हुई कि क्या वर्क किया है आपने, टेबल स्टिक यूज की है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68 डिवाइड बाय 11। 11 सिक्स 66, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2। So this is your remainder. So your quotient is here 6 or remainder is 2. Next question number 3. 96 divided by 12. Beta, this question you will do yourself this one question. It's very easy, same as first part. Now I am doing here 155 divided by 11. 11 ones are 11. 5 minus 1, 4. Now 5 brings down 45. 11 ones are 11. 11 twos are 22. 11 threes are 33. 11 fours are 44. So 4 minus 5 minus 4, 1. Then here is no number. और इट इज लेस देन डिवाइजर। बेटा ये आपके डिवाइजर से स्मॉल भी हो गया तो क्या होगा, ये रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना है आपका 14 और रिमाइंडर कितना है 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 128 डिवाइड बाय 14। बेटा बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई हैव रिटन योर टेबल्स, table of 14. That's why I have told you yesterday, write down table in your notebook. मैंने आपको तभी आपको table बोला था कि table अपनी notebook पे लिख लेना और काम complete कर लेना, क्योंकि जो आपने table लिखे हैं वो इस questions में use होंगे। 14 के table में 128 आ रहा है, 12 तो बेटा 14 से छोटा है, तो थ्री डिजिट नंबर काउंट करेंगे 128 में से कौन सा नंबर आएगा 126। 14 नाइन जा 126, 8 माइनस 6 2। सो आपका क्वेश्चन कितना हुआ यहाँ पे 9 और रिमाइंडर क्या आएगा 2। इट्स योर आंसर। नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर 6, 145 डिवाइड बाय 15। दिस क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। फर्स्ट आपने 15 का टेबल लिखना है, बाद में आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 153 डिवाइड बाय 17।
17 का टेबल यहाँ पे मैंने लिख लिया है. चेक हियर, 153 कम्स ऑन 17th टेबल. यस, 17 नाइन्स आ 153. 153 माइनस 153 जीरो. सो योर क्वोशेंट इज हियर 9 और रिमाइंडर इज जीरो. बेटा सेम है जैसे आपने वन डिजिट किया है, जस्ट यहाँ पे डिवाइड बाय टू डिजिट है. तो आपने टू डिजिट का टेबल लिखकर उसमें से टेबल चेक नंबर चेक करना है कौन सा उस टेबल पे आ रहा है. अगर नहीं आ रहा तो उससे लेस देन कौन सा आएगा. नाउ 154 क्वेश्चन नंबर 8. 154 डिवाइड बाय 16. 154 तो ये 16 के टेबल में नहीं आ रहा, तो विच नंबर इज लेस देन. 160 इज ग्रेटर देन 154. इट ऑल्सो कम्स ऑन 9. 4 माइनस 4 0. 5 माइनस 4 1. सो क्वोशेंट इज 9 और रिमाइंडर इज 10. क्वोशेंट इज 9, रिमाइंडर इज 10. सो कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8. विच क्वेश्चन आर लेफ्ट टुमारो वी विल डू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 डू योर सेल्फ. दीज क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपने खुद करने हैं अपनी नोटबुक पे. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.